लगभग 9:30 और मैं जाऊंगा मुखबा टेम्पल। आज कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे होम स्टे में रुके। ये होम स्टे भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक इशू है कि इस होम स्टे में आपको लाइट नहीं आती बिल्कुल भी। खिड़कियां हैं पर सुबह की लाइट आपको नहीं मिलेगी, तो आपको अंधेरा ही सा फील होता है। तो मैं देख रहा हूँ इसी रेंज में अगर कोई दूसरा होम स्टे मिले मुखबा विलेज में तो वहाँ ले लेंगे। चलिए चलते हैं। यार ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं हाथ अपना जेब से निकाल नहीं पा रहा हूँ। इवन की ग्लव्स लाया था मैं और मैंने पहना नहीं है शूटिंग के लिए, बस एक हाथ बाहर निकाला हुआ है। ठंड बहुत ज़बरदस्त है। पता नहीं, मैं शीशु गया था, शीशु का टेम्परेचर यहाँ से काफ़ी कम था, वहाँ तो -14 तक जाता था रात में, पर वहाँ कभी इस तरह की ठंड फील नहीं हुई जो मुझे यहाँ फील हो रही है। तो चलते चलते हम थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं बारोही गांव, जो हरसू से लगभग 20 से 25 मिनट की दूरी पर है। बारोही गांव में आज की डेट में 2 से 3 होमस्टेज अभी हैं और गांव वाले कोई भी नहीं है, तो मुझे यहां पर रात में रुकना ठीक नहीं लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पुराने होम स्टे में ही रुकूंगा। सो गाइस, मुखबा टेम्पल की ओर जा रहे हैं। यहां से लगभग 3 किलोमीटर है। ये जगह आर्मी कैंट से होके ही जाता है। मेरे पीछे आर्मी कैंट ही है। नीचे आप देख रहे होगे बगल से, ये भागीरथी नदी है। तो देख रहे हो पहाड़ों का क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ से। तो भाई मुखबा विलेज की ओर हम जा रहे थे, जहाँ पे गंगा जी का मंदिर है। विंटर्स में गंगा जी की प्रतिमा को वहीं रखा जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली 3 किलोमीटर का ट्रैक था। 1 किलोमीटर ट्रैक के बाद यार हिम्मत टूट गई। पहले गाड़ियाँ अलाउड थी वहाँ पे जाना, पर अब गाड़ियाँ, क्योंकि रास्ता मेन एंट्रेंस ही बंद है, तो सवाल ही उठता कि कोई गाड़ी लेके जा पाए। हालांकि मोटरेबल रोड है, गाड़ी लेके आप जा सकते हो। तो अभी देखते हैं, अभी करते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह के बच चुके हैं 11, और उसके बाद देखते हैं हरसिल में और क्या आपको दिखा सकते हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकलता हूँ आगे भैरव घाटी की ओर, जो हरसिल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और आपको पहुँचने में लगभग 40 मिनट का समय लग जाता है। यार क्या सही व्यू आ रहा है वैली का, मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर स्नो कैप माउंटेन्स हैं, बगल में भागीरथी नदी साइड से बह रही है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी जो प्लान है दोपहर के 12 बजे, और मैं अब जा रहा हूँ गर्तंग गली। गर्तंग गली भी रिसेंटली ओपन हुआ है और ये भैरव घाटी में पड़ता है। आपको भैरव घाटी यहाँ से लगभग हरसिल से 18 किलोमीटर है, पहुँचने में 40 मिनट का समय लगेगा। बीच में धराली एक जगह है, ये अभी एक छोटा सा गांव है, वो भी आएगा। धराली हम पहुँच चुके हैं। धराली का एक मंदिर यहाँ दिख रहा है, पर हमें मंदिर जाना नहीं है, वहाँ पे निकलेंगे। कोई मंदिर है आते समय देखेंगे, अगर आते समय, क्योंकि मंदिर नदी के पास है, चले जाएंगे एक बार। तो फिलहाल गर्तंग गली चलते हैं, उसके बाद आते समय यहाँ आप क्या क्या देख सकते हो, कवर कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अभी धराली से थोड़ा ही आगे निकले थे, एक व्यू पॉइंट आया। ठीक है, व्यू पॉइंट बेसिकली ये है कि हरसिल वैली आपको पूरा इसमें दिखेगा। देखो क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, नीचे भागीरथी नदी है और आगे वो जो छोटा सा टाउन अगर आप देख पाएंगे तो वो हरसिल है, जहाँ से अभी हम आए हैं। तो भाई गर्तंग गली पहुंच गए। ये गर्तंग गली का रास्ता है, पर अनफॉर्चुनेटली गर्तंग गली भी बंद है। ये 30 नवंबर से भी बंद हुआ है और लगभग 1 अप्रैल को ओपन होगा। सो अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था, नहीं तो उसी हिसाब से प्लान करते, पर ठीक है कोई बात नहीं, गर्तंग गली बंद है तो चीज़ें और भी हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और सारे रोड्स यहाँ पे जो हरसिल और उत्तरकाशी के बाद के हैं, सारे BRO ने बनाए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आप लेह लद्दाख जाओगे तो वहाँ पर भी रोड्स आपको इन्हीं के मिलेंगे, बी आर ओ द्वारा ही जो है डेवलप किया गया। तो भाई गर्तन गली में अब कुछ है नहीं ज़्यादा करने को, तो भाई ये भैरव मंदिर है जो भैरव घाटी में फेमस है। अभी फ़िलहाल मंदिर ये भी बंद है क्योंकि सारे उत्तरकाशी के ऊपर गंगोत्री में जितने भी मंदिर हैं सब कुछ बंद हो चुके हैं, अंदर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। आगे इधर भैरव घाटी में भी आर्मी का बेस कैंप है, जैसे हरसिल में एक कैंप था। सो अभी अभी एक काम कर सकते हैं, धराली चलते हैं नीचे, धराली में एक मंदिर है और वहाँ मंदिर से फिर नीचे नदी तक भी जाने का रास्ता है, तो वो एंजॉय करते हैं। अब गर्तन गली बंद हो गया तो एंजॉय करना थोड़ी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बंद हो सकते हैं, एंजॉय तो आप कर ही सकते हो। बाकी एक चीज़ बता दूँ, GMVN के गेस्ट हाउस यहाँ पे गंगोत्री में भी है, भैरव घाटी में भी है और हरसिल में भी है। अगर आपको गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकना है, इवन कि PWD के भी गेस्ट हाउस हैं यहाँ पे। आगे देखो यार कैसे चट्टान को काट के इन्होंने रोड बनाया है, मतलब देखो चट्टान की हाइट देखो आप। हम लोग धराली पहुंच गए, ये प्राचीन कल्प केदार मंदिर है धराली का। तो गाइस मंदिर से निकलने के बाद एक पाथवे है जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, ये मेरे ख्याल से आपको नदी तक लेके जाएगा, नदी का फ्लो मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो यार क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है वैली का, वाओ अमेजिंग व्यू आ रहा है। सो थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, एक नीचे बना हुआ है क्रॉस करने के लिए इस स्ट्रीम को, स्ट्रीम के बीच में पहुँचेंगे। ये देखिए ये बना हुआ है इधर से क्रॉस करने के लिए, एक बार क्रॉस करके जाते हैं उस तरफ। यहाँ पहुँच के गर्तन गली बंद होने का अफसोस नहीं हो रहा, क्या जबरदस्त लोकेशन है और पानी पूरा, यहाँ से अगर आप देख रहे हो पानी पूरी तरीके से ग्रीन है और इतना साफ पानी, पूरा नीचे तक दिख रहा है क्या है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर बैठते हैं रिलैक्स करते हैं। धूप भी अच्छी खासी जो है खिली हुई है तो उतनी ठंड नहीं लग रही अभी, इसके बाद यहाँ से जाने का प्लान करेंगे। तो भाई आधा घंटा मैं बैठा था यहाँ पे, बहुत मज़ा आया यार, बड़ा रिलैक्सेशन मिला, पानी की आवाज़ सुनते ही ना एक अलग सी फीलिंग आती है आपकी बॉडी में। तो अभी एक और पॉइंट है कुछ इसी तरीके का, यहाँ पर बालू थोड़ा सा कम है और वो जगह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं गंगोत्री की साइड में, 1 किलोमीटर है यहाँ से, धराली में ही मेरे ख्याल से पड़ेगा, तो वापस चलते हैं यहाँ से। गाइस ये दूसरा मंदिर है यहाँ पे धराली में, काली जी का मंदिर है फ़ोटो से जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। ये भी रास्ता नीचे की ओर जा रहा है सीधा नदी तक, तो मंदिर तो वैसे भी अभी बंद होगा, तो पॉइंट ये है कि नदी तक जाते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू आता है। यार पत्थर ही पत्थर है यहाँ, आगे थोड़ा दूर जाके मेरे ख्याल से बालू है, उधर चलते हैं वहाँ तक। ये था मंदिर हमारा और अभी हम वहीं से ऊपर से नीचे आए हैं, ज़बरदस्त। यहाँ बालू सही है और बगल में पानी है और क्या सही ग्रीन पानी है, मतलब बहुत कम मुझे ऐसा ग्रीन पानी देखने को मिलता है।
मॉर्निंग, आज है तीसरा दिन मेरे यहाँ हरसिल में, और तो हरसिल की मार्केट के मैं एकदम एंड पे आ चुका हूँ। उधर थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही थी क्योंकि रोड बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ख़त्म होती है और इसके बाद अब आर्मी कैंट का एरिया स्टार्ट हो जाता है। दो गांव हैं यहाँ पे बेसिकली, यहाँ से आप आगे जाएंगे तो जो इधर से जो राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है, पहले तो आर्मी कैंट है, उसके बाद मुखवा गांव जहाँ पे मुखवा टेम्पल है जिसके बारे में मैं आपको कल बता रहा था, और इस तरफ भी एक गांव है बरोगी गांव पे, इस तरफ लेफ्ट साइड में जहाँ कल मैं गया था। तो बेसिकली दो गांव हैं यहाँ पे, और एक चीज़ हरसिल में आपको बहुत कॉमन मिलेगी, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जितने भी पुराने घर हैं वो येलो शेड में ही आपको मिलेंगे, येलो पेंटिंग में ही मिलेगी, और साथ में हर एक घर में बाहर से कुछ पेंटिंग बनाई गई है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। जितने भी आप घर देख लो, देखो तो इस घर में भी एक बुल की पेंटिंग है, इधर भी है एक लौता मेडिकल स्टोर, ये मेरे सामने बेसिक मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे रेस्टोरेंट और होम स्टे लगभग हर जगह है, ठीक है, और ये मान के चलो कम से कम 10 से 12 रेस्टोरेंट और होम स्टे, क्योंकि जहाँ रेस्टोरेंट है वहाँ होम स्टे भी है, ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो वही ये पेंटिंग जिन्होंने बनाई है, सारी पेंटिंग एक ही बंदे ने बनाई है, इनका नाम और इंस्टा आईडी दी हुई है, मुकुल बदौनी, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स है ये। ये देखिए ऊपर की तरफ छोटे मोटे जनरल स्टोर हैं और बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ मार्केट में, बाकी वुलन के अगर कपड़े आपको खरीदने हैं तो वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ का लोकल लाइट मिल जाएगा। ये यहाँ की पार्किंग है जो फिलहाल बंद है, रीज़न है कि अभी रोड का काम चल रहा है तो गाड़ी कोई भी है यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो पार्किंग भी खाली पड़ी है और इसी की वजह से हम आगे भी नहीं जा पाए। ये आगे काम हो रहा है, अब मेरी बैकग्राउंड वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा आपको। ये रहा मेरा होम स्टे जहाँ पर रुका हूँ। तो भाई वीडियो अपलोड होने का ही वेट करो, जैसे वीडियो अपलोड होता है सामान मैंने पैक कर लिया है और थोड़ी देर में नीचे चलते हैं, फिर इधर जाएंगे गाड़ी की ओर। तो गाइस होटल से चेकआउट कर लिया मैंने और मैं अभी जा रहा हूँ अपने गाड़ी की तरफ, डिक्की खोल लेते हैं, इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। तो भाई ये मेरा सीएनजी का टैंक लगा, उसके बाद भी एक बैकपैक और एक लैपटॉप बैग आराम से आ गया। तो भाई शाम के बज चुके हैं लगभग 4:30 और अब मैं अभी पहुंच गया हूँ चंबा में, उत्तराखंड में। तो चंबा से नोएडा का जो ट्रैवल टाइम है लगभग 6 घंटे लगेंगे मुझे, 6 से 7 घंटे मैक्स। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, होपफुली आपको ये हरसिल की सीरीज जो है पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही कुछ अच्छी लोकेशंस पे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।